हसन अली मैं नहीं समझता, वो चुचोरा सा प्लेयर है। नहीं आमिर, आमिर की तो क्लास और है ना, आमिर को लेके जाना चाहिए था। आमिर तो रिटायर है, टायर बोलर को तो नहीं ना आपने जाते बिस्ती करवानी है, ऊपर से इंजर है अभी, फिर एक सीरीज में इंजर हो गया है, तो आमिर वाला कीड़ा मार ले अपने आप से। और आमिर जो है वो रिजाइन दे के गया है, जब तक वो अपना रिजाइन वापस नहीं लेता उसको कोई भी बंदा नहीं लाएगा। देखें जी आमिर, आमिर जहाँ पे आमिर की बात है तो आमिर का मुकाबला तो पूरी वर्ल्ड में नहीं है ना, तो हसन अली की जैसे 10 बॉलर भी आ जाए तो आमिर की कमी पूरी नहीं आप कर सकते हैं, कि आमिर एक लेजेंड है। अच्छा जी, नसीम शाह की जगह जो है वो हसन अली को ले जाया गया है, तो आपको क्या लगता है ये डिसीजन ठीक था या फिर आमिर को ले जाना चाहिए? बेहतरीन डिसीजन था, बेहतरीन डिसीजन। आमिर तो रिटायर है, टायर बॉलर को तो नहीं ना आप ले जाते बिस्ती करवानी है, ऊपर से इंजर है अभी, फिर एक सीरीज में इंजर हो गया है, तो आमिर वाला कीड़ा मार ले अपने आप से। और आप को मिस करेंगे आप? नसीम शाह देखिए हमारा बहुत अच्छा बॉलर, तो और मैं शीन से अच्छा बॉलर उसको मैं पर्सनली तौर पर समझता था, लेकिन इंजर हो गया, अब क्या कर सकते हैं, इट्स अ बैड लक, लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ वो इंडियन लड़कियों का क्रश भी है। ये तो गेम से बाहर वाली चीज़ है ना, ये तो ठरक पूना इसे आप कह सकते हैं, ये तो मामला बाद में चलते हैं, लेकिन गेम की बात करें तो हसन अली बेस्ट ऑप्शन थी। नसीम शाह की जगह जो है वो हसन को रखने वाला जो आइडिया उसको लेकर गए हैं, कैसा है वो? हसन अली मैं नहीं समझता, वो चुचोरा सा प्लेयर है, नसीम शाह की क्लास ही और है, वो तो आमिर को नहीं ले जाना चाहिए था। नहीं आमिर, आमिर की तो क्लास और है ना, आमिर को लेके जाना चाहिए था। आमिर जिस तरह से कोहली को, शर्मा को जिस तरह से पकड़ता है, ठीक है, तो आमिर को मिस नहीं करना चाहिए था। अब ये चीफ सेलेक्टर साहब ने पता नहीं क्या फैसला किया, वसीम अकरम साहब ने भी उस पर तनकीद की कि ये टीम सिलेक्शन सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम दो आगो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबियां दे। आमिर इधर आपने क्वेश्चन किया आमिर का, आमिर जो है वो रिज़ाइन दे के गया है, जब तक वो अपना रिज़ाइन वापस नहीं लेता उसको कोई भी बंदा नहीं लाएगा। वो अपना रिज़ाइन वापस लेगा फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास खेलेगा, फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करेगा, उसके बाद क्रिकेट में आएगा, इंटरनेशनल में आएगा। नसीम शाह की जगह जो हसन को लेकर गया है, वो आपको डिसीजन कैसा लगता है? हसन अच्छा बॉलर है, आउट ऑफ द फॉर्म है, इंडिया में जाके हो सकता है फॉर्म करे, ससुराल है उसका, उधर जाके शायद थोड़ी सी गैरत खा ले। तो इसके अलावा क्या है आप कह सकते हैं कि जो है नसीम शाह, नसीम शाह की अभी जो रिसेंटली है वो एक यंग टैलेंट है, उसकी क्लास और है, लेकिन अगर हसन को देखा जाए वो उसने आपको चैम्पियनशिप जितवाई हुई है, तो इसलिए एक तरफ को मिस करेंगे आप? सभी मिस करेंगे, मैं अकेला नहीं। अच्छा जी, नसीम शाह की जगह हसन अली को ले जाने का फैसला आपको कैसा लगा? क्या उसकी जगह आमिर को अगर ले जाते तो अच्छा डिसीजन होना था? देखें जी आमिर, आमिर जहाँ पे आमिर की बात है तो आमिर का मुकाबला तो पूरी वर्ल्ड में नहीं है ना, तो हसन अली की जैसे 10 बॉलर भी आ जाए तो आमिर की कमी पूरी नहीं आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हसन अली एक अच्छा बॉलर है, लेकिन अगर आप कहें कि आमिर की जगह तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। आमिर एक लेजेंड है और वो ऐसा बॉलर है कि चाहे वो विकेट ना ले लेकिन 10 ओवर में आप उसको 35 से 40 स्कोर से ऊपर स्कोर नहीं वो खा सकता, और मैच विनर वो बॉलर है। नसीम शाह को मिस करेंगे आप? बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा कि नसीम शाह के पास अब एशिया कप में जिस तरह उसके पास इन स्विंग और आउट स्विंग आ गया था, डेढ़ डेढ़ फुट वो जो है आउट स्विंग कर रहा है, इन स्विंग कर रहा है, तो बड़ा ख़तरनाक बॉलर, तो यही समझा जा रहा था कि ये वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, लेकिन बैड लक वो बेचारा इंजर्ड हो गया, क्या कर सकते हैं। इंडियन लड़कियाँ भी जो है वो बहुत सारी इंडियन लड़कियों का वो क्रश, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा इंडियन लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि नसीम शाह माशाल्लाह यंग है और अभी है, जाना था इंडिया लेकिन नहीं जा पाए, बिल्कुल उनके जो फ़ैन, आपको आपको पता है कि इंडिया में जो फैन फॉलोइंग है ना वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं लोग। अच्छा जी, नसीम शाह की जगह जो है वो हसन अली को लेकर गए हैं, वो आपको क्या लगता है ये डिसीजन ठीक था या फिर आमिर को ले जाना चाहिए? नहीं हसन अली ऑब्वियसली लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में हुई है ना, हसन अली मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, ठीक है, और उसकी नो डाउट उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, मैच विनिंग बॉलर है, तो होप सो वो अच्छा प्ले करेगा। तो नसीम शाह को करेंगे आप? नसीम शाह ऑब्वियसली वो भी एक अच्छा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो अब वो बेचारा बैड लक इंजर्ड हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नसीम शाह ऑब्वियसली ही विल बी मिस्ड, बट हसन अली आई होप ही विल प्ले वेरी। गर्ल्स भी जो है तो नसीम शाह को बहुत पसंद करती हैं। और मैम पता है क्या, सेलिब्रिटी अगर मैम बन जाऊंगा तो मुझे पसंद करने लग जाएंगी जी। नसीम शाह की जगह जो है वो हसन अली को ले जाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन ठीक था या फिर आमिर को ले जाना चाहिए था? नहीं आमिर को तो लेके जाना चाहिए था, आमिर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो बड़े मैच का खिलाड़ी है, उसको जगह मिलनी चाहिए थी। तो आप नसीम शाह को मिस करेंगे? नसीम शाह को करेंगे, आमिर को ज़्यादा करेंगे नसीम शाह से। आमिर को ज़्यादा करेंगे क्यों? आमिर बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो वो बड़ी मैचेस का खिलाड़ी है, वो परफॉर्म उससे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, हमारी उम्मीदें थी, लेकिन अभी तो नहीं लाए उसको।
लेकिन नसीम शाह जो है वो बहुत सारी इंडियन लड़कियों का क्रश भी है। वो इंडियन लड़कियों का क्रश है तो उस बुनियाद पर तो हम उसको नहीं लेके जा सकते ना कि वो लड़कियाँ पसंद करती है, इस हिसाब से तो हम नहीं लेके जाते, नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी है वो भी। नसीम शाह की जगह जो है वो हसन अली को लेकर गए, मोहम्मद आमिर को नहीं लेकर गए, आपको ये डिसीजन कैसा लगता है? हाँ, मैं सबसे पहले इस पर यही कहूँगा, आपने एक ना हमारी उर्दू की कहावत सुनी होगी, तब्दीली बराए तब्दीली, हमें वही देखने का मिला है। अगर कुछ लेके भी जाना था यार, कुछ अच्छा तो लेके जाओ, कुछ एक्सपीरियंस हो जिसके पास। हसन अली को लेके 2 साल से वो रेस्ट पे है, उसने 2 साल से कोई ओडीआई मैच नहीं खेला, तो क्या परफॉर्म करेगा जाके, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें? बाकी जो प्लेयर रह गए उनकी हमने परफॉर्मेंस वैसे ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इन्हें चाहिए था ज़मान खान को। चलो यार, अगर मोहम्मद आमिर से आपको थोड़ी दुश्मनी भी है, राइवलरी भी है, तो आप ज़मान खान बैठा हुआ है, शाहनवाज धानी बैठा हुआ है, सानुल्ला बैठा हुआ है, उनको लेके जाओ, नया टैलेंट लेके जाना ना, तो यूज़ तो करते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नसीम शाह को आप फिर मिस करने वाले हैं? नसीम शाह को बहुत मिस करेंगे।